फैजल खान सर को खुद को साबित कर देने के लिए, और जो कहते हैं कि तथा कथित विरोधी, विरोधी तो राम का भी होता था और रावण का भी होता था, लेकिन जैसा भी वो बोलते हैं कि विरोधी को शांत करने के लिए जो है एक ही काम कर देना रहता है कि बीपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम को क्रैक करके छोड़ देना होता है। यदि ऐसा करते हैं तो सक्षमता उनका जो है पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि यह इंसान कभी पीटी तक पास नहीं कर सकता, क्लर्क का एग्जाम तक नहीं निकाला, ठीक है, क्लर्क का भी एग्जाम जो होता है, या और भी तरह तरह के बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, या और भी कुछ उस लेवल पे एग्जाम होते हैं, उसका भी नहीं निकाला। लोग तो यहां तक बोलते हैं क्लर्क तो बहुत दूर का बात हो गया सर, ये चपरासी तक का भी एग्जाम नहीं निकाल सकता, और ये सच्चाई बोलते हैं। इसके पढ़ाई का कंटेंट देखिए, बेवकूफ लोगों का जमात को छोड़ दीजिए, उसके भीड़ भड़ाके को छोड़ दीजिए, एक तरह से कबाड़ी खाने में ज्यादा सामान फेंके हुए रहते हैं, वैसे ही जो है अधिकतर बेवकूफ टाइप का स्टूडेंट जिसको अच्छा से बीपीएससी यूपीएससी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है, वो भी जो है केजीएस आईएएस का बैग टांग करके पीछे, किसी का पैंट फटा हुआ है, किसी का टी शर्ट फटा हुआ है, बात फटा हुआ का नहीं है, तरीके से रहने के लिए एक शर्ट भी काफी आदमी को, और बेतरीके वाले जो स्टूडेंट होते हैं उसके लिए चार भी रहेगा तो फाड़ करके ही पाटेगा। एक तरह से जो कहने का मतलब यह है कि यदि खान को जो है अपने आप को सिद्ध करना है तो इसका उम्र बचा हुआ, इसका उम्र बचा हुआ अच्छी तरह से, अपने आप को तो बोलता है मैं 28 साल के, हो सकता है 25 साल का हो, 22 साल का हो, क्या बोल रहा हूं बात को छोड़िए, लेकिन बात यह है कि उम्र है ही तो उसको बीपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम दे करके खुद को साबित ही कर देना चाहिए कि देखो हम खुद जो है इसको क्रैक करने लायक है, और छोड़ करके देखो पढ़ा रहे। लेकिन सच्चाई यही है कि इसको चपरासी का भी एग्जाम को ये निकाल नहीं सकता, और इसके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो भी बौद्धिक लोग है वो तो समझने ही लगे एक तरह से, यहां तक कि अच्छे स्टूडेंट भी अब इसके पास नहीं जाते। बात है कि जो बोतल लड़का जो है, जो ट्यूबलाइट टाइप का जो लड़का है, इसका दिमाग फ्लिकरिंग करता रहता है, बेवकूफ टाइप का जो लड़का है, और खास करके लड़कियों का ग्रुप जो है, यही सब इसके पास कॉमेडी सुनने जाता है, और एक सेलिब्रिटी के रूप में जो हो गया, क्योंकि लोगों के अंदर रहता है जो भी रहते हैं एक तरह से एक पॉपुलर टाइप के लोग जो आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो ख्याति प्राप्त लोग रहते हैं, लोगों के अंदर एक साइकोलॉजी रहता है, वैसे लोगों को देखना एक तरह से, गाली दे या ताली मारे, लेकिन वो उसको देखना चाहता है एक तरह से, बस यही भीड़ है, और ये इसका फायदा अच्छी तरह से उठाता है। लेकिन ऐसा होने से, अब इस बात को गंभीरता से सुनते हैं, ऐसा होने से बिहार का अधिकतर स्टूडेंट बर्बाद हो चुका है। अब देखते हैं कि अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में बिहार के लोग जो है उसमें आते ही नहीं, हद तो ये है कि बीपीएससी टीआरई जो है टीचर का एग्जाम में अधिकतर यूपी के लोग, अधिकतर एमपी के लोग, और भी अलग लोग होने लगे, और बिहार का स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली किनारे होते चले गए, क्योंकि इसका लेबल ही नहीं है, सरकार को भी मालूम हो गया, इसलिए दरवाजे खोल दिए। क्या यहाँ बेरोजगार कम है? क्या नहीं, लेकिन जो योग्य लोग होते वो कम हो चुके हैं। ये यूपीएससी का डिंग हाकने वाले लोग जो है चपरासी से भी बदतर नॉलेज देना स्टार्ट कर दिए, और स्टूडेंट गुमराह हो रहा है, और अभी कुछ साल तक और होगा, हालांकि एक बड़ा वर्ग समझ चुका है, लेकिन फिर भी अगला वर्ग को वो ला करके छोड़ दिया है बेवकूफ बनने देने के लिए। अब वो भी समझेगा तो धीरे धीरे सेटल होगा, लोग अधिकतर मेजर वर्क जान चुके रहे।